बिना ड्राइवर के कठुआ रेलवे स्टेशन तो चली माल गड्डी के मामले च 6 अधिकारियों नूं सस्पेंड किया गया है। एक कमेटी भी बनाई गई है जिहड़ी इस पूरे मामले की जांच करेगी। दरअसल पिछले दिन एक माल गड्डी कठुआ रेलवे स्टेशन तो अचानक बिना ड्राइवर तो ही तुर पई सी, जिसनों काफ़ी जद्दोजहद मगरों मुकेरियां नेड़ले कस्बा उच्ची बस्सी के रेलवे स्टेशन से लकड़ के स्टॉपर ला के रोकया गया। हालांकि गड्डी नूं कठुआ तो अगले स्टेशन ते भी रोकने की कोशिश की गई सी, पर असफल रहन ते खीर माल गड्डी नूं उच्ची बस्सी रोकया जा सकिया। करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड न चली इस माल गड्डी कारण 3 रेल गड्डियां प्रभावित हुई सन। इसके कारणों का पता करने के लिए रेलवे बोर्ड ने एक उच्च स्तरीय जांच बिठाई है। जांच के सभी मेंबर आज कठुआ में इंक्वायरी कर रहे हैं। जांच होने के पश्चात ही इनके कारणों का कुछ पता चल पाएगा। ड्राइवर को वहां पे क्रू चेंज होने वाला था, क्रू चेंजिंग का था, चाय पीने वाली, और जो ये कह रहे हैं कि इंजन चालू था, इंजन चालू नहीं था, इंजन बंद था। यही तो अगर ये मालूम होता तो इंक्वायरी बिठाने की क्या जरूरत थी। इंक्वायरी इसीलिए बिठाई गई है क्योंकि कारणों का पता नहीं चल पाया अभी तक। प्रेशर के साथ गाड़ी चल पड़ी है, तो कारण कई हो सकते हैं। अब कारणों के लिए इंक्वायरी कमेटी है, वहाँ पर इंक्वायरी कर रही है और जल्द ही इनकी कारणों का पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ गाड़ी रुकी थी वहाँ इंजन स्टार्ट थे? नहीं, वहाँ इंजन स्टार्ट नहीं थे। तो रोकने के लिए क्या क्या एफर्ट किए जा रहे हैं? रोकने के लिए एफर्ट हम लोगों ने पूरी प्लानिंग करी। हम लोगों का एक कंट्रोल रूम होता है, पूरा कंट्रोल सेंटर होता है जिसमें तरह तरह के कंट्रोल्स होते हैं। ट्रैक का कंट्रोल होता है, ऑपरेशंस का कंट्रोल होता है, सिग्नलिंग का कंट्रोल होता है, इस तरह के कंट्रोल्स होते हैं। तो हमारी सुबह टीम जैसे ही 5 बजे हम लोगों को पता चला कि ऐसी कोई इंसिडेंस हुई है, मैं और मेरी टीम सारे लोग कंट्रोल में उपस्थित थे उस समय, और हम सभी लोग एक एक क्षण का उसको मॉनिटर कर रहे थे, साथ में उसकी वीडियो भी बनवा रहे थे कहाँ पर क्या है, और सारी जो टेक्निकल डिटेल्स थी किस यार्ड में कितना ग्रेडियंट है, क्या कहाँ पर पॉइंट क्रॉसिंग्स हैं, कहाँ पर अपलाइन में गाड़ी है, कहाँ पर डाउनलाइन में गाड़ी है, तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद में हम लोग उसको क्लोजली वॉच कर रहे थे और इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि गाड़ी की गति जो है थोड़ी धीमी हो, इसके बाद इसको अगर कहीं डीरेल करना पड़ जाए तो उसको कहाँ पे किया जाए। हालांकि हम लोग आश्वस्त थे कि शायद डीरेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई चीज़ें हमने लोगों रास्ते में प्रयास किए हैं, एफर्ट किए हैं, हम लोगों ने रेल पे मिट्टी डाली है और भी कई तरह के व्यवधान गाड़ी के आगे पैदा किए हैं जिससे कि उनकी गति को धीमी हो। अंततः हम लोगों की जो टीम की जो मेहनत थी वो रंग लाई और हम लोग उस रेल को, उस ट्रेन को ऊँची बस्सी के आते आते उसको हम लोग जो है रोक पाए। नहीं, रेल के स्लीपर ऐसे कोई नहीं बनाए गए थे, लकड़ी के कोई स्लीपर ऐसे नहीं बनाए गए थे। वो स्टेशन में होते हैं जो कि पहियों के नीचे लगाए जाते हैं, लेकिन जब एक बार गाड़ी चल दी वहां पर, उसके बाद रेल की स्लीपर अगर लगाएंगे तो गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो जाएगी, तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करी। देखिए, एक्शन बिल्कुल लिया जा चुका है। 6 लोगों को हम लोगों ने ऑलरेडी सस्पेंड कर दिए हैं और इसके आगे भी अभी कुछ जैसे भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो भी लोग उत्तरदायी ठहराए जाएंगे उनके पर जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 6 लोगों में एक स्टेशन मास्टर हैं कठुआ के और एक पॉइंट्समैन है कठुआ के, दोनों LP और ALP हैं, 4 लोग ये हो गए। इसके साथ जो वहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे जिनका जुरिस्डिक्शन था TI, और जो लोको इंस्पेक्टर होते हैं LI, इन 6 जनों को अभी जहाँ के भी होते हैं थे जहाँ पर जिनका भी जुरिस्डिक्शन था उन TI को भी, हाँ, LP का मतलब लोको पायलट, ड्राइवर ही बोलते हैं उसको, और सहायक लोको पायलट ALP उसको बोलते हैं। तो उन दोनों किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी, करीब 75-78 किलोमीटर के तक करीब गाड़ी चली है। कैसे लोग कह रहे थे बिजली के साथ इसको वो क्या था कि जो ऊपर बिजली के तारों से हम लोग जो बिजली लेते हैं इलेक्ट्रिक लोको के लिए, चूंकि ये डीजल इंजन था इसके लिए अगर ये इलेक्ट्रिक लोको होता तो शायद हम बिजली को बंद करके उसको रोक लेते, लेकिन इस केस में बिजली का ये डीजल का इंजन था, इसलिए बिजली का तारों को हमने इसलिए बिजली बंद की उसमें, क्योंकि इन केस अगर हमें उसका कहीं पर प्लांट वे में अगर डीरेलमेंट करना पड़ जाए तो उसके बाद क्या होने वाला नहीं पता था, अगर कुछ डिब्बे उछल के ऊपर भी जा सकते थे, इसलिए हमने सावधानी बरतने के लिए उन बिजली के तारों की बिजली प्रवाहित को बंद किया था।